हमने कल पूर्ण विराम दैट इज फुल स्टॉप, अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम दैट इज सेमी कोलन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दैट इज प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दैट इज विस्मयादि बोधक तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उदाहरण चिन्ह दैट इज इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन दैट इज योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह दैट इज डैश and कोष्ट that is bracket. So let's see why we use this marks and what are the meaning of this marks. Okay, so first is उदाहरण चिन्ह. उदाहरण चिन्ह that is inverted comma. So we can say there are two type of उद्धरण चिन्ह. One is इकरा उद्धरण चिन्ह where we only give one inverted comma, and next is दोहरा उद्धरण चिन्ह where we do double inverted commas. So, but both these inverted commas take some different meanings. It has the use in different places. So, let us see where we use what. First is इकरा उद्धरण चिन्ह दैट इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. इस चिन्ह का प्रयोग कवि का उपनाम, लेख या कविता का शीर्षक या किसी स्थान पर विशेष ध्यान डालने के लिए लिखते समय करते हैं. जैसे ये खबर दैनिक हिंदुस्तान में छपी है. रामधारी सिंह दिनक हिंदी के महान कवि थे. तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इकरा उद्धरण चिन्ह हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमें किसी कवि का नाम लिखना हो या उसने जो कविता लिखी है उसका टाइटल लिखना हो या उसने जो लेख मतलब उसने जो बुक लिखा है उसके बारे में लिखना हो या फिर हम किसी विशेष स्थान पर या किसी इम्पोर्टेंट प्लेस के बारे में या किसी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में मैटर के बारे में बताना चाहते हो, उस पर ध्यान डालना चाहते हो, तब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं. दैट मीन्स वी यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा टू राइट द नेम ऑफ द पोएट, टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर और टू राइट द नेम ऑफ द पोएम और वट एवर राइटिंग्स और वट एवर सेइंग्स दे हैव टोल्ड और to mention any important place or important matter to get the attention of the audience. जैसे आपके पास example दी गई है, यह खबर दैनिक हिंदुस्तान में छपी है. दैनिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान is the name of the paper. Okay, so in this example we are talking about a matter which has been a news which has been published in which newspaper? In the newspaper Hindustan. Okay, so we are highlighting the newspaper. We are highlighting the newspaper's name. Then we have dohra udharan chinh, that is double inverted comma. Is chinh ka prayog vakta ki baat ko jyo ka tyo likhne ke liye किया जाता है. नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्यों यूज करते हैं? एक्सक्यूज मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हम जो पर्सन बोल रहे हैं उसकी बातों को जैसा है वैसा ही दर्शाना चाहते हो या वैसा ही बताना चाहते हो. We use double inverted comma when we want to state that what the exactly speaker has told. Like if we say that Subhash Chandra Bose said that you give me your blood, I'll give you the freedom. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो जब हम नेताजी की बात को
जैसा है वैसा ही ऑडियंस के पास पहुंचाना चाहते हैं, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का या दोहरा उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं. सेवेंथ वन इज योजक चिन्ह, दैट इज हाइफन. योजक का अर्थ है जोड़ने वाला. यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा रंग, गंगा यमुना, माता पिता, कभी कभी आदि. तो योजक चिन्ह हम किसे कहते हैं? योजक चिन्ह हम कहते हैं जब हम दो शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, जब हम दो शब्दों के बीच के लिंक को दिखाते हैं. जैसे माता पिता, राजा रंग, कभी कभी, गंगा यमुना एंड सो ऑन. ठीक है. विवरण चिन्ह, दैट इज डैश. यह चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देने तथा पात्रों की बातचीत के लिए किया जाता है. ओके. तो विवरण चिन्ह, दैट इज डैश, का हम यूज तब करते हैं जब हम कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो. वी गिव एनी एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू स्टेट एनी एग्जाम्पल, या फिर जब दो लोगों के बीच बातें हो रही हो तो किसने किससे क्या कहा, कब कहा, उस चीज को बताने के लिए हम डैश का यूज करते हैं. जैसे उसने कहा दो और दो चार होते हैं. जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है परिश्रम व अध्ययन. रवि, तुम क्या कर रहे हो? राकेश, तुम स्वयं देख सकते हो. तो हम डैश का यूज कहाँ करते हैं? डैश का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हम एग्जाम्पल देना चाहते हो, या जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से बात कर रहे हो और किसने कब किससे कहा, क्या कहा है, वो बताने के लिए हम डैश का यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हाइफन एंड डैश, दिस लुक सिमिलर. हाइफन और डैश देखने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन हाइफन, दैट इज योजक चिन्ह, ये दो शब्दों को जोड़ता है. ओके, इट इज स्मॉल. एंड विवरण चिन्ह, इट इज लिटिल बिट बिग. तो ये हमें किसी एग्जाम्पल या दो लोगों के बातों को बताता है. लास्ट वन इज कोष्ठ. कोष्ठ मीन्स ब्रैकेट्स. वी ऑल हैव डन, वी ऑल यूज ब्रैकेट्स. ओके, वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स. इवन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो यू विल ऑल्सो सी ब्रैकेट्स. जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो हम नंबर में ब्रैकेट देते हैं. वन के पास हम ब्रैकेट देते हैं, या जब हम क लिखते हैं तो हम ब्रैकेट देते हैं. किसी शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने तथा कर्म सूचक जैसे वन, क, ख आदि के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. तो कोष्ठ का हम यूज कहाँ करते हैं? कोष्ठ का हम यूज करते हैं जब हम किसी शब्द के अर्थ को, हम किसी वर्ड के अर्थ को और ज्यादा क्लियरली कहना चाहते हो, या जब हम नंबरिंग देते हैं. जब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, या तो हम फुल स्टॉप देते हैं, वन के बाद पॉइंट देते हैं, या तो हम उसे ब्रैकेट में रखते हैं, तब हम इसका कोष्ठ मतलब ब्रैकेट का यूज करते हैं. जैसे मोहन ने सारा सामान गाड़ी में लाद दिया. क्या क्या सामान था? थैला, अटैची, बिस्तर आदि. ओके, सो we have learned punctuation marks. So what all punctuation marks we use? There are 9 punctuation marks which we use in common. What are they? One are full stop, that is purna viram, jise hum sentence ke ant mein likhte hain. Then is alpa viram, that is comma, jab hum thodi der ke liye pause karte hain, jab hum koi baat bolte hain ya explain karte hain,
तो हम अल्प विराम का यूज करते हैं. देन इज अर्ध विराम दैट इज सेमी कोलन. सेमी कोलन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें अल्प विराम से थोड़ी देर ज्यादा रुकना हो, दैट इज जो हमें कॉमा से थोड़ी देर ज्यादा पॉज करना हो, और जब हमें फुल स्टॉप से कम करना हो, तब हम अर्ध विराम का यूज करते हैं, दैट इज सेमी कोल. देन कम्स द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क. वी कैन से अगेन, वी कैन से इट एज अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, वेन वी क्वेश्चन समथिंग, देन वी यूज क्वेश्चन मार्क और द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे हम हिंदी में प्रश्न सूचक कहते हैं. देन इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. वेन वी एक्सप्रेस आर सॉरो, हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ शॉक, स्टेट ऑफ सरप्राइज, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं. Then is inverted comma. There are two type of inverted comma. One is single inverted comma and double inverted comma. तो हम single inverted comma क्यों use करते हैं? हम single inverted comma तब use करते हैं जब हमें किसी कवि, मतलब poet, author, या उन्होंने जो book लिखा है, उन्होंने जो कविता लिखी है, जो हमें उसके बारे में बताना हो, या when we want to indicate any special or any important matter or news or any important names, then we use single inverted comma. Dohara udharan chin, that is double inverted comma, hum kab use karte hai? Jab hume speaker ke baat ko, speaker ki kahi hui ghatnao ko ya baat ko, jaisa unhone kaha hai, waisa hi batana ho, waisa hi state karna ho, tab hum double inverted comma use karte hai. Then comes yojak chin hyphen. Why we use hyphen? We use hyphen to join two words. Hyphen दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे राजा रंग, गंगा यमुना, and so on. Then we use विवरण चिन्ह, that is dash. Dash का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कोई example देना चाहते हो, या जब हम दो speaker के बीच क्या बातें हो रही है वो बताना चाहते हो. Last one is कोश, that is bracket. Why do we use bracket? We use bracket to clarify, to clear the meaning, or to, अगर हमें ये बताना हो, अगर हम किसी के अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट करना हो, या जब हम इंडेक्स नंबर देते हैं, या जब हम नंबरिंग करते हैं, तब हम ब्रैकेट का यूज करते हैं. ठीक है,